वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि। आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। ये मेरे चैनल का इंटरफेस है जहाँ पे हम डेली लाइव भी करते हैं और डेली एनालिसिस वीडियो भी डालते हैं। ये लाइव का पेज है मेरा, यहाँ पे हम डेली लाइव भी करते हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं ताकि जब भी हम लाइव आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कल एक्सपायरी होने वाली है फिन निफ्टी की, उससे पहले ये वाला जो वीडियो है, ये हमारा वीकली एनालिसिस का वीडियो था, तो ये वाला आप ज़रूर चेक कर लेना। मैं एंड स्क्रीन में इसे डाल दूँगा। जो मैं आपको लेवल दिखाने वाला हूँ वो लेवल अचीव हुए हैं हमारे बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी। निफ्टी का हालांकि एक टारगेट अभी अचीव होना बाकी है, बैंक निफ्टी के पूरे टारगेट आ गए हैं। तो वो किस तरह से मैंने प्रिडिक्ट किए थे वो इसको आप यहाँ पे इस वीडियो में और दो वीडियो है, ये वाला ऑल टाइम हाई अलर्ट वाला 30 नवंबर का था शायद, और एक दिसंबर का भी जो वीडियो है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। मैं लिंक इसका एंड स्क्रीन में डाल दूँगा तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे देखो ये वाला जो बैंक निफ्टी का मैंने लेवल दिया था 48,163 का, ये परफेक्टली ये फ्राइडे के दिन ही अचीव हुआ था। इसके बाद में हालांकि यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनाया था मार्केट ने। तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये गोल्डन बुल के नाम से 160 सब्सक्राइबर जिसमें है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और इसमें हम डेली लेवल्स भी प्रोवाइड करते हैं। लाइव मार्केट में जो लेवल्स है वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहले फिन निफ्टी देख लेते हैं। फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी होने वाला है, तो फिन निफ्टी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं ये हम देख लेते हैं आज। पहले डेली कैंडल देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल बनाया था फ्राइडे को, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो अच्छी खासी बेरिश कैंडल फिन निफ्टी में फॉर्म हुई है। डेली कैंडल में अगर देखेंगे तो 5 मिनट में एक बार देख लेते हैं लेवल्स कौन से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो 5 मिनट में अगर देखेंगे तो मार्केट ने आज एक ओपनिंग होने के बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल फॉर्म करने के बाद में थोड़ा सा रिकवरी करने की कोशिश की, लेकिन एंड ऑफ द डे जो है मार्केट ने ओपनिंग के नीचे एक क्लोजिंग दी है हमें, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेरिश साइन होता है मार्केट के लिए। तो कल के लिए अगर देखें, मैंने ये वाले जो है लेवल्स, पिछले वाले जो लेवल्स थे ये मार्क करके रखे हुए हैं ये डाउन साइड के लिए। ये हालांकि ये हमें टारगेट मिल चुका है, ये वाला जो था ये नीचे के साइड के टारगेट है, तो ये जब नीचे आता है तब हम देखेंगे उसको। तो मैंने अभी तक वो हटाया नहीं है। तो कल के लिए देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट बार बार सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा था, तो मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होके इसी जोन में अगर ओपन होता है और नीचे आने की कोशिश करता है तो ये जो डे लो है, ये आज का जो डे लो है इसके नीचे ही हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे। तो नीचे के लिए अगर देखेंगे तो ये वाला जो लो है ये वाला हमारा रहने वाला है जो 21,350 जो है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है कल के लिए। यहाँ से अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होके नीचे अगर ट्रेड करने लगता है तो, और मार्केट अगर हमें बुलिश कब होना है, मार्केट अगर 21,500 के ऊपर कहीं पे निकलता है फ्लैट ओपन होके या फिर गैप अप ओपन होके, मार्केट अगर 500 के आसपास ही ओपन होता है उसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं टिल ये वाला जो लो है, ये वाला जो हाई है, सॉरी ये जो हाई है यहाँ तक के लिए हमारे पास 21,550 ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और 500 के अबव ट्रेड करने लगता है तो। तो ये कुछ लेवल्स है फिन निफ्टी के लिए, और अगर मार्केट ये डे लो भी अगर ब्रेक करता है तो हमारे नेक्स्ट टारगेट जो होगा सॉरी 21,320 ये हमारा सेकंड टारगेट होने वाला है। उसके अगर बाद उसके नीचे अगर निकलने की कोशिश करता है तो
15 मिनट में अगर देखेंगे तो हमारे लिए ये टारगेट निकल के आता है 21,200 का जो है, ये वाला जो टारगेट है 220 का, ये वाला हमारे पास कल के लिए टारगेट निकल के आ रहा है। ये वाला मैं इसे मार्क कर देता हूँ एक बार, एक मिनट। ये वाला जो है हमारा फाइनल टारगेट होने वाला है 200 का, अगर मार्केट कल नीचे के साइड में ट्रेंडिंग होता है तो। ये हमारे पास तीनों टारगेट है। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा जो डेलो है, फ्राइडे का जो डेलो है, अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आता है तो, अगर गैप डाउन भी ओपन होता है मार्केट और इस लो के नीचे ट्रेड करने लगता है तो 21,323.20 ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट जो है ये वाला, ये 21,200 हमारा सेकंड टारगेट होने वाला है कल के सेशन के लिए। क्योंकि डेली में भी अगर देखेंगे तो थोड़ा सा बेरिश साइन, मतलब ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, बेरिश नहीं बोल सकते मार्केट को, ये काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग का सिनारियो है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो ये था फिन निफ्टी के लिए हमारा एनालिसिस। अब देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस करते हैं हम। निफ्टी को भी अगर देखेंगे तो डेली में जो है निफ्टी ने इनसाइड कैंडल बनाया है, और इसकी क्लोजिंग अगर देखेंगे तो इस कैंडल के थोड़ा सा हाई के पास इसकी क्लोजिंग दिया है। तो अभी भी निफ्टी जो है बेरिश नहीं है, हालांकि डेली में जो है रेड कैंडल फॉर्म हुई है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी 500 को क्रॉस करने की ज़्यादा लग रही है, अपर साइड ब्रेक करने की ज़्यादा लग रही है। तो अपर साइड में भी हम ट्रेड लेने वाले हैं, लेकिन क्वांटिटी हम कम रखेंगे, क्योंकि एक करेक्शन जो है मार्केट में, जो बुल रन चल रहा है इतने दिनों से, तो ये कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट आना बाकी है। तो उस हिसाब से हम बुलिश ट्रेड को थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, और डाउन साइड के जो ट्रेड से हम वहाँ पे फुल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। तो चलिए देखते हैं 5 मिनट में आज मार्केट ने क्या किया और कल मार्केट क्या कर सकता है। तो यहाँ पे भी मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग के बाद रिकवरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये जो मार्केट के पास रेजिस्टेंस था, इसके पास से मार्केट ने फिर से एक बार डाउन साइड का मूव दिया है। ये भी मैंने जो लेवल्स है, ये भी मैंने प्रिडिक्ट किए हुए थे, जो मैंने वीडियो आपको बताया है 30 नवंबर का और 1 दिसंबर का। तो इसमें ये हमारे जो टारगेट आए हैं, ये आप देख सकते हैं, वॉचआउट कर सकते हैं किस तरह की तरीके से मैंने वो टारगेट दिए हुए थे और किस तरीके से वो टारगेट अचीव हुए हैं। तो कल के लिए अगर देखेंगे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो ये जो आज का डेलो है, इसके नीचे हम बेरिश ट्रेड लेने वाले हैं। ये जो लेवल होने वाला है, ये होने वाला है 21,360.70 का, पकड़ के चलिए 21,360 से लेके 70 का जो ये लेवल है, इसके नीचे हम बेरिश ट्रेड लेने वाले हैं। और उसके टारगेट जो है ये होने वाले हैं, ये वाला जो डे लो है, ये जो लो है, ये स्विंग लो जो बना हुआ है 21,280 का, ये हमारा रहेगा सेकंड टारगेट। इसे मैं मार्क कर देता हूँ प्राइस लेवल से। और इसके भी अगर नीचे निकलता है तो कहीं ना कहीं ये वाला गैप जो है हमें फिल होता हुआ दिख सकता है, जो कि है 21,210 का। ये हमारे लिए कल के लिए लेवल्स होने वाले इम्पोर्टेंट, जो निफ्टी में हमें देखने को मिल सकते हैं कल के लिए। क्योंकि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ या फ्लैट ओपन हुआ, गैप डाउन अगर ओपन होता है इस डेलो के नीचे, तो हम फर्स्ट वाला टारगेट ये प्रिडिक्ट कर, मतलब ये पकड़ के चल सकते हैं 21,280 का, और सेकंड टारगेट 21,210 का। ये गैप जो फीलिंग पेंडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि गैप फिल ही हो, लेकिन जहाँ तक दिख रहा है एक जो प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, तो यहाँ तक मुझे दिख रहा है कि ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ तक आना चाहिए। तो और मार्केट अगर हम बुलिश ट्रेड कब लेंगे, ये वाला जो डे ऑल टाइम हाई जो मार्केट ने लगाया है 21,493, 500 ही पकड़ के चलिए आप, 500 के ऊपर ही हम लॉन्ग करेंगे, लेकिन लॉन्ग हम कम क्वांटिटी में करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग का जो सिनारियो अभी पेंडिंग है वो कभी भी आ सकता है, इसलिए हम
अपर साइड के जो टारगेट है उसके लेवल जो है हम लाइव मार्केट में ही अपडेट देते रहेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो ये थे निफ्टी के लिए कल के लिए मार्केट के लेवल्स, इम्पोर्टेंट जो लेवल थे। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या बन रहा है। बैंक निफ्टी में भी अगर डेली कैंडल अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी मार्केट में बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है। ये जो है मार्केट ने एक बेरिश साइन थोड़ी सी दिखा दी है यहाँ पे, क्योंकि ये वाला जो कैंडल था इसके ओपनिंग प्राइस के नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है। तो हमें कल के लिए जो है ये वाले टारगेट हमें देखने मिल सकते जो है 47,730 का। इसको हम 15 मिनट में एक बार देख लेते। तो ये वाले जो लेवल मैंने आपको बोले थे वीडियो देखने के लिए, तो ये वाला हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। जो लेवल मैंने प्रिडिक्ट किया था 15 दिन पहले 48,163 का, तो एग्जैक्टली यहीं से मार्केट ने टच करके नीचे डाउनफॉल दिया है, थोड़ा सा करेक्शन जो दिया है। तो कल के लिए अगर देखेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो ये वाला जो है ये इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है। ये जो आज का डेलो है ये वाला, कहीं ना कहीं मार्केट ने डेलो के पास ही क्लोजिंग दिया है हमें। तो मार्केट अगर गैप डाउन या फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट नीचे जब आएगा तो ये वाले जो लेवल है 47,587 का जो लेवल है ये वाला, ये वाला एक लेवल है हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ये वाला सेकंड टारगेट रहेगा जो है 47,450 का ये वाला, और उसके बाद में 47,240 का ये वाला थर्ड टारगेट हमारा रहने वाला है, जो कि ये गैप फिलिंग का जो एरिया है ये भी फिल हो सकता है कल मार्केट में, क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट थोड़ा सा अभी नेगेटिव साइन मार्केट ने थोड़ा सा दिखा दिया है। नेगेटिव मतलब ये भी प्रॉफिट बुकिंग का ही सिनारियो दिख रहा है जहाँ तक नज़र आ रहा है। तो मार्केट के लिए ये वाला भी इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है, जिसके आसपास ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। ये वाला जो है ये जो स्विंग लो बनाया था मार्केट ने इसके आसपास ही क्लोजिंग दिया है। तो कल अगर मार्केट पॉजिटिव अगर हम ट्रेड लेंगे तो जो ये वाला ऑल टाइम हाई जो है इसके ऊपर ही हम बुलिश हो सकते हैं। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर भी जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे मार्केट के पास ये वाला एक रेजिस्टेंस है जो कि 48,050 या 60 का पकड़ के चलिए, ये वाला एक रेजिस्टेंस होने वाला है। तो यहाँ पे ज़्यादा मार्केट के पास स्पेस नहीं है, क्योंकि यहाँ से फिर से मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है। तो हम बेरिश साइड के लिए जो है नेगेटिव पी साइड के लिए तो यहीं से ट्रेड हम बना सकते हैं, जो कि है ये वाला आज का जो डेलो है इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो हम ये वाला फर्स्ट टारगेट पकड़ के चल सकते हैं 47,585 का। सेकंड टारगेट 47,450, थर्ड टारगेट रहेगा 47,240 का। ये हमारे कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल होने वाले हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो आज के लिए इतना ही था। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा फ्रेंड्स तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाए तो लाइव मार्केट में हम लेवल जो है प्रोवाइड करते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।